यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। तो भाई लोग कैसे हैं यार? सबके सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों प्लीज, और मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा, इस वीडियो का लाइक एम है 18,000 लाइक। दोस्तों प्लीज, भाई की ट्रेवर भाई की इज्जत रखनी है भाई, 18,000 लाइक प्लीज यार वीडियो पे कंप्लीट कर दो। और डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर जाके अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। जो भी गेम प्ले से रिलेटेड वहां पर अपडेट्स हैं वो मैं वहां पर डालता रहता हूँ, आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो भाई देखो भाई, अभी जो है ट्रेवर भैया बोलेंगे हम इनको भाई, हम इनको पियक्कड़ नहीं बोलेंगे भाई, बेइज्जती होती है भाई की। देख रहे हो भाई, बॉडी देख रहे हो भाई ने कैसी बना ली, गजब बॉडी बना ली भाई ने, गजब बॉडी, ठीक है, जिसको कहते हैं। कल फिर क्या हुआ, कलवा आया मेरे पास, तो कलवा फिर आके कहने लग गया कि भाई पहले तो यार थोड़ा सा इनको जरा पहले खुश कर दें, क्योंकि भाई जब तक ये वो ना हो ना, मैं इनको वो नहीं कर सकता, ठीक है भाई। हाँ आज खुश है, देख रहे हो हंसी, देख रहे हो चेहरे पे कितनी भयंकर आ रही है हंसी। हंसी को देख कर यार प्लीज यार लाइक ठोको, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों क्या था, कल जब सॉरी वो आया मेरे पास, कल वो आया तो मैंने उसको पैसे दे दिए, बेचारा बहुत खुश था। और आज मेरी एक दोस्त है, इन्हीं की दोस्त है, खैर दोस्त नहीं है यार, दोस्त नहीं मान लो, गर्लफ्रेंड मान लो, इनकी गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम है मधुबाला। जी हाँ, इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है मधुबाला। और मधुबाला जी जो है वाई सिटी से आ रही है। मधुबाला जी जो है इनके जितने भी ऑफिस के वर्क होते हैं, जितना भी सब कुछ काम होता है ना, मधुबाला जी संभालती है वहाँ पर। और आज वो लॉस एंटोस आ रही है पहली बार, तो हम उनको लेने जाएंगे अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले तो अभी मैं जस्ट पहले अपनी गाड़ी निकाल लूँ, पहले मुझे अपनी कार को जो इंडेवर को जो है धुलवा कर लाना है। धुलवाने के बाद फिर मैं सीधा एयरपोर्ट जाऊँगा मधुबाला जी को लाने, क्योंकि मधुबाला एयरपोर्ट तो ये पीछे ही है। पहले फोन इंडेवर हल्की सी गंदी हो रही थी, मुझे लगा कि मुझे वॉश तो करवा लेनी चाहिए। दोस्तों देखो, वॉश तो गाड़ी को अपनी करवाते ही रहना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं इसको वॉश वगैरह करवा लूँ, फिर उसके बाद मधुबाला जी को लेने जो चलते हैं। इतने वॉश करवाने में भी टाइम लगेगा। अभी जस्ट मैं जॉगिंग करके आया था पीछे से, तो काफ़ी मज़ा आया जॉगिंग करके। तो चलो, बेसिकली बाहर भी मेरी इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अपनी फोर्ड इंडेवर को पहले मैं ज़रा धुलवा के ले आऊँ, उसके बाद ही दोस्तों कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले हमें कार वॉश जाना है। ओके, वेयर इज़ कार वॉश? कार वॉश जो है कलवे के घर के पीछे ही है। हमें पहले कार वॉश करवानी है। कार वॉश करने के बाद ही मैं मधुबाला जी को लेने जाऊंगा। मधुबाला जी आने वाली हैं और मधुबाला जी हमारे साथ ही रहेंगे। और मधुबाला जी को मैं सोच रहा हूँ कि घुमाने लेकर जाऊँ यहाँ पर लॉस सैंटोस, घुमाऊँ मधुबाला जी को। कलवा भी कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड थी एक नताशा नाम की कोई लड़की थी, नताशा जी बोलता था वो उसको। मैं भी मधुबाला जी बोलता हूँ वैसे, तो वो नताशा जी बोलता था। उसकी गर्लफ्रेंड शायद जब से पैसा वूसा ख़त्म हुआ है शायद चली गई है, वैसे बहुत अमीर बाप की लड़की है वो। मैंने तो बोला है, मैंने कहा भाई बात बना कर रख उससे, वही तेरी मदद कर सकती है। नताशा जी बोल रहा था हाँ भाई करूँगा उससे बात। वैसे के लिए कलवा यार इतना काला है, नताशा जी इतनी गोरी कहाँ आने वाली है? मैं तो इतना गोरा हूँ, पियक्कड़ भी इतना गोरा है, तो भाई यहाँ तो आ जाती है मधुबाला जी, तो हमारी जितनी है। बे निकाल ले यार इसे, कचरे के डब्बे को आगे कर ले। अबे ओ घोंचू की औलाद, ये नहीं सुनने वाला सालो, तुम्हें सुनाई देता है, पीछे इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है। रुक जाओ दोस्तों, बिना ठोके ही निकालनी पड़ेगी। अब निकालो साले घोंचू की औलाद, इन्हें दिखता नहीं है पीछे से इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है। यूं नहीं अपनी गाड़ी पीछे कर ले भाई, बीच में ही घुसेड़ के रखेंगे, फिर इन्हीं बातों पे तो गुस्सा आ जाता है मुझे। अब मधुबाला जा रही है, अभी अंदर से भी गाड़ी की पूरी ड्राई क्लीनिंग करवाऊंगा, क्योंकि रात गंदी हो गई थी। रात इनको फिर मैं छोड़ने गया था ना कलवे को, फिर उन्होंने कहा कि गाड़ी में ड्रिंक वगैरह कर लेते, तो ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे, तो उस चक्कर में गाड़ी भी गंदी हो गई अंदर से। सॉरी यार, नॉट नाउ। लग गई क्या? लगी तो कहीं से भी नहीं। सॉरी ब्रो, हल्का सा उस गाड़ी का बेचारी का बम्पर लग गया। कोई बात नहीं भैया, हो जाएगा ठीक, बम्पर ही तो है एक तुम्हारा, हमने कौन सा तुम्हारी जान ले ली, एक बम्पर ही तो है दोस्तों, है ना। चलो उश, सॉरी, ये भैया जी हम नहीं चाहते कि हमारी भाई इंडेवर,
अबे इंडेवर में लाइटें जलती हैं क्या नीचे? मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर पैर रखते हैं वहाँ पर इंडेवर में लाइटें जलती हैं, पर मैं ही गलत हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, मेरे ही दिमाग चलता रहता है। ये रहा कार वॉश। आज जो कलवा वहाँ पर रॉकफोर्ड हिल्स पर रह रहा है, वहाँ ऊपर पहले वहाँ पर उसका घर नहीं था, मैं आपको बता दूँ, पहले वहीं पर रहा करता था। मैंने बहुत धक्के खाए इन गलियों में, पर अब धक्के खाने का टाइम नहीं है दोस्तों। $15 सो चीप, इतने कम पैसों में गाड़ी यहाँ पर धुल जाती है। वाई सिटी में तो $100 लेते हैं गाड़ी धोने के। कोई बात नहीं, चलो पहले अपनी फोर्ड इंडेवर हम धुलवा लें यहाँ से, फिर धुलवाने के बाद तभी निकलेंगे दोस्तों मधुबाला जी को लेने के लिए। चलो, मैं सोच रहा था पहले मधुबाला जी को लेने से पहले अपनी गाड़ी धुलवाऊंगा, रात भी मैंने सोचा, पर रात जब मैं आया 10 बज गए थे, तो 10 बजे के बाद ये जो कार वॉश जो है बंद हो जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, बेसिकली मधुबाला जी तो अपने हमारा जो प्राइवेट जेट है, जो अपना हैंगर है, उसी के अंदर प्राइवेट में आने वाली है, तो वो तो प्राइवेट के अंदर ही आएंगे, तो फ्लाइट की तो कोई दिक्कत ही नहीं कि फ्लाइट में तो आते ही नहीं हम, अपने प्राइवेट जेट में ही आएंगी वे भी। बेसिकली प्राइवेट जेट मेरा ही है, मेरा ही, मेरे में ही वो कर रही हैं जो पायलट वायलट भैया हैं। बढ़िया, तो हो गई भाई कार वॉश। कार वॉश के बाद हमें एयरपोर्ट के लिए कौन सा रास्ता जा रहा है, ये एयरपोर्ट के लिए भी जा रहा है, तो यहाँ से हमें इस वाले गैस स्टेशन से पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवाने के बाद फिर सीधा निकलते हैं हम एयरपोर्ट के लिए। या मैं सोच रहा हूँ पहले मैं घर से ना कपड़े चेंज कर लूँगा दोस्तों, वरना फिर मधुबाला जी बोलेंगे ऐसे ही कपड़ों में आ गए यार, फिर ऐसे ही अच्छा भी नहीं लगता ना। उनके सामने कार तो देखो फुल चमक गई दोस्तों। अब पेट्रोल डलवा के सबसे पहले, हाँ पेट्रोल डलवा देता हूँ, उसके बाद ही चलता हूँ। गैस स्टेशन तो ये भी है, पर यहाँ पर ये वाला पेट्रोल नहीं मिलता है ना, गैस स्टेशन वो दूसरा वाला ही है, इस वाले का डलवाऊँगा तो भाई गाड़ी में कुछ हो ना जाए, मट्टी वट्टी का तेल। चलो, अरे आराम से भाई आराम से, हमें पता है कि मधुबाला जी आ रही हो, उसमें खुशी है तुम्हें, एक्स्ट्रा प्रीमियम तो वहीं पर मिलेगा। ये रहा एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल पंप, क्या बात है, वरना भी है यहाँ पर तो खड़ी है, यहाँ पे एक 60 का है। टंकी फुल करो यार, फुल करते हैं हम तो टंकी गाड़ी की, $72 में फुल हो गई, करीबन 7,000 रुपये में फुल हो जाती है गाड़ी ये वाली। 7,000 से भी कम ही टाइम रुपये लगते हैं, उस 7,000 से भी कम पैसों में गाड़ी की जो टैंक है पूरा का पूरा फुल हो जाता है, और बस एक फुल टैंक में आप इसको कितनी भी चलाओ इंडेवर को। मैं तो बेसिकली जितनी भी गाड़ियाँ सबका फुल रखता हूँ। कल BMW M8 चली गई थी फिर उस सर्विस के लिए, अभी तक आई नहीं। अभी उसका जो है बोल रहे हैं कि क्लच व्लच प्लेट भी चेंज होनी है। मैंने कहा भाई जो भी दिक्कत है ना तुम ठीक करो, ठीक है, अभी मेरे को गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं उसकी कहीं, क्योंकि मैं जा भी नहीं रहा, और अभी कहीं पे जाऊंगा भी ना तो इनको लेकर तो अपनी फोर्ड इंडेवर में जाऊंगा भी, गाड़ी नहीं ली है तो इसका भी तो यूज़ करूंगा ना, और बेसिकली वो कहीं पर लग भी जाती थी, इसको मैं कहीं पर भी लेकर घुसा सकता हूँ, इसको मैं पहाड़ों पर भी घुसेड़ सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को फोर्ड इंडेवर ज़्यादा सही लग रही है। मैंने कहा अभी फ़िलहाल मैं ही चलाऊँगा, तुम पहले वो कर लो, है ना। अरे भाई पीछे को हो जाओ यार, पीछे को हो जाओ। चलो बढ़िया, तो दोस्तों घर पर आ गए। अब सबसे पहले घर पे आने के बाद दोस्तों मैं अपने रूम में जाकर, अरे गन भैया अंदर रखो यार, डराओगे क्या बच्चों को। तो दोस्तों दिस इज़ माई चेंजिंग रूम, और मैं यहाँ से फटाफट जो है पहले कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर हम जो है मधुबाला जी को लेने एयरपोर्ट जो है चलते हैं। अरे भैया पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा आ रहा था दोस्तों आज बाथरूम में, तो हम नहा लिए हैं, और ये शर्ट मैंने पहनी है गुची की शर्ट है, और एक अंदर कर रखी है कि बाहर, और घड़ी वड़ी पहन के अपनी पैंट चेंज कर ली, शूज़ चेंज कर लिए, ग्लासेस भी चेंज ही कर लिए, मैंने कहा ये वाले कपड़े सही रहेंगे। हाँ बेसिकली हम अपनी गर्लफ्रेंड को तो लेने जा रहे हैं, जो भी बेसिकली मधुबाला जी, उनके सामने जो है ट्रेवर बहुत ही ज़्यादा शरीफ बन के रहता है भाई मधुबाला जी के सामने। तो चलो हमें सीधा एयरपोर्ट ही जाना है यहाँ से, चलो मधुबाला जी को लेने एयरपोर्ट ही चल रहे हैं भैया। चलो भाई मधुबाला जी खुश हो जाएंगी, फिर उनको कल घुमाकर भी तो लाना है, बोल रही थी बस 3 दिन के लिए आ रही है बेसिकली मधुबाला जी, फिर वो यहाँ से चली जाएंगी वाई सिटी। मैं भी सोच रहा हूँ कि उनके साथ जाऊँ,
यहाँ पर बेसिकली वो वर्क के सिलसिले में ही आ रही हैं, और देख कह रही थी कि घर भी देख लूँगी। मैंने कहा ठीक है देख लेना। बेसिकली ये फोर्ड एंडेवर भी जो है यहीं पर गाड़ियाँ, वरना वाइस सिटी में तो दूसरी कार चलती हैं, वहाँ पर ज़्यादा सेडान्स हैं। तो मधुबाला जी देखते हैं बैठ कर इसमें भी गाड़ी क्या रिएक्शन रहेगा उनका। अब उन्होंने उनका फ़ोन आ गया ना, कह रही है बस मैं अभी पहुँच गई वह 5 मिनट में। तो मैंने कहा मैं बस 5 मिनट में पहुँच गया, इसलिए तेज गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मधुबाला जी ज़रा सा भी वेट करें। समझ रहे हो ना आप? आई होप के भाई समझना भी चाहिए आप सभी लोगों को। बढ़िया, अरे आराम से। अब इसका चक्कर ये नहीं कि तुम अपनी गाड़ी ठोक दोगे यार, पियक्कड़ गाड़ी आराम से चलाओ यार। मधुबाला जी को कोई बात नहीं, मधुबाला जी कहीं भागी नहीं जा रही हैं, तुम अपनी गाड़ी इतनी तेज चला रहे हो। ओवरटेक देख लो कैसे कर रहा है भाई, तो गाड़ी भी देख लो एकदम हाथी जितनी बड़ी है भाई ये। धड़कन ये कहती है दिल तेरे नाम कर दूं मैं, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। मधुबाला जी आ रही है, चलो हमें दूसरे रास्ते से होना पड़ेगा, इधर से ही फ्लाइट दूसरी तरफ आएगी या पता नहीं कौन सी तरफ आने वाली है, पर फिर भी मैं अपने वाली एंट्री ले लेता हूँ ना यहाँ से। चलो भैया जल्दी खोलो। बे यार थैंक यू, पता नहीं क्या कर रहा था बेवकूफ सा, खोलना खुद को नहीं आता है फिर बोला मेरा है कि तुमने ठोक दी। गाड़ी देख रहे हो कितनी भरी है, शायद मधुबाला जी का प्लेन अभी आया है। आ गया। चल भाई जल्दी लगा दे। तो गाइस इसी प्लेन के अंदर मधुबाला जी आ रही हैं, कहा था यही अपना छोटा वाला प्लेन है, क्योंकि वाई सिटी से यहाँ तक के लिए उतना तो बड़ा है, उतना तो बड़ा चल जाता है। बस भाई यही लगा दो, जल्दी से मधुबाला जी बाहर आओ तुम। अरे क्या कर रहा है पायलट, पागल हो गया क्या? ये अपने उसी पे लगाएगा, इसको ऑर्डर नहीं है। मधुबाला जी बैठी हुई दिख रही हैं। अरे आ जाओ बस, आ गए हम। एक तो यार ये ड्रम में बहुत करते हैं ये पायलट लोग, कहीं भाई अपनी अच्छी जगह ये प्लेन लगा दो। अभी ये दोस्तों सामने जाकर लगाएगा, क्योंकि ये मेरे रूल्स भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि भाई इतना भी अब अमीर बंदा हो जाए चाहे गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं ये तो उसी के हिसाब से चलेगा ना। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, ये आगे जाके ही लगाएगा दोस्तों, इसको कोई बात नहीं, इसको लगाने दो, बंदा बढ़िया है लगाने दो, पायलट बहुत अच्छा है यार। अरे मधुबाला जी कोई बात नहीं यार, ये प्लेन वाला ऐसे ही है, कोई बात नहीं आ जाओ। तो रास्ता सफ़र में कुछ दिक्कत पानी तो नहीं हुई यार? कोई नहीं, क्या बात है यार। तो दोस्तों इनसे मिलो, ये हैं हमारी मधुबाला जी, और ये सब कुछ हमारा संभालती है, और जस्ट हमारी जीवन साथी बनने वाली है बहुत ही जल्दी। अभी देख लो ये है मधुबाला जी, खैर आप नीचे से ऊपर तक मधुबाला जी को देख लो भैया, ये हैं, और इनकी शक्ल एक बार पहचान लो। खैर ये कोई ये नहीं है नताशा जी, नहीं है ये, कोई और ही है, ठीक है आ जाओ। अरे मधुबाला जी गुस्सा क्या ही कर रही हो, हम तुम्हारे ड्राइवर थोड़ी ना, आगे बैठो जल्दी आकर, ड्रामे मत करो, तुम पीछे बैठ जाती हो फिर हम इसीलिए तो नाराज़ होते हैं तुमसे, इधर आओ। मैं चला जाऊँगा, मैं पैदल ही जा रहा हूँ, कोई बात नहीं तुम आगे ही बैठ जाओ। हाँ आप आइयो ना, आओ बैठो। पहले कह रही थी पीछे बैठूंगी मैं, तो भाई आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, अब आगे बैठेंगे। बेसिकली गाड़ी के दरवाजे जो है हम यहीं से बंद कर सकते हैं। वेट अ वाइल दोस्तों, चलो चलने का वक्त हो गया, अब हमें सीधा घर जाना है अपने मधुबाला जी को लेकर। क्यों मधुबाला जी कैसा रहा फिर सफ़र, मज़ा आया ना? हाँ बेसिकली सफ़र तो ऐसा ही रहता है वहाँ के लेकर यहाँ तक का। बाय द वे गाड़ी कैसी लग रही है, हाउस इस कार लुक्स लाइक ना, गज़ब है ना, गज़ब लगी है इन्हें भी। ये घूम चुकी औलाद, खोलेगा तो ऐनी से।
ये लाइट फोड़ता है हर बार मेरी, ये पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है ये यार। ये बंदे ही बेवकूफ़ हैं भाई, मुझे तो लगता है एयरपोर्ट वालों ने भाई बेवकूफ़ों को सारी नौकरी दे रखी है, पैसा पूरा ले लेते हैं हमसे और फिर बेवकूफ़ों को नौकरी पे रख लेते हैं। चलो और बताओ मधुबाला जी, भाई मज़ा आ रहा है ना? हाँ लॉस सैंटोस तो पूरा अपना ही है यार, लॉस सैंटोस में भाई मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी को, और क्या करेंगे, बिजनेस ये वहाँ का ये संभाल लेंगे, मैं तो भाई यहीं पर करूँगा कुछ ना कुछ। हाँ 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 मैंने इनको कलवे के बारे में, माइकल के बारे में बहुत बातें बता रखी हैं दोस्तों, तो ये मिलना चाहती हैं उन दोनों से। मैंने कहा ठीक है भाई, माइकल दादा की तो पूरी फैमिली आएगी, उनको दावत पे बुलाऊंगा, और फ्रैंकलिन आ जाएगा और उसकी वो आ जाएगी, क्या कहते हैं नताशा जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है वो आ जाएगी, फ्रैंकलिन आ जाएगा और वही बस अपने सब आ जाएंगे, मिल जाएंगे भैया, दावत पर आ जाएंगे, बुला लूँगा, है ना? सही तो है, अपने दोस्तों यारों को भूलना नहीं चाहिए, ये भी सही कह रही हैं। हाँ वो तुम भूलते ही नहीं हैं, बस अपना घर बीच के पास ही है तो ये अलग रूम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ रहेंगी भाई। ये कह रही हैं रूम्स अलग अलग हैं ना, मैंने कहा नहीं भैया एक ही रूम में रहेंगे, वो भी शाम होने को ही आई है, बस पहुँच गए हम, इनको भूख भी लग रही है, बस मेड को बोल के भैया कुछ दाल चावल बनवा लेते हैं, उनका पेट ख़राब है, इनका भी मेरा भी, और दाल इतनी गर्मियों में दाल चावल खाने का ही मन है। तो ये देखो ये अपना घर है, चलो है ना एकदम मस्त घर, चलो आ जाओ। हाँ चाहे तो इस वाले रास्ते से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, फ्लावर्स देखने हैं क्या? आ जाओ चलो यार, पहले तुम्हें फ्लावर्स दिखा दें, इनको बाहर का एरिया दोस्तों दिखाना है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ भाई, तुम्हें पहले बाहर बाहर का जितना भी एरिया है ना वो दिखा दे, तो तुम्हें घर का सब कुछ कैसा है, क्यों अभी तो देखेंगे मैडम जी, कोई बात नहीं भाई तुम देखो। और दोस्तों ये है अपनी मधुबाला जी, आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़ोर से बताइएगा, ये अपनी मधुबाला जी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्या हम सबको अपने घर पर दावत पर बुलाना चाहिए, फ्रैंकलिन और नताशा जी को और माइकल दादा की पूरी फैमिली को, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि पार्टी में बुलाना चाहिए तो एक बार कॉमेंट करके ज़ोर से बताइएगा, या फिर मुझे कहीं पर पार्टी देनी चाहिए उन सबको, ठीक है दोस्तों ये भी एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जो लाइक मांगे हैं प्लीज़ लाइक एम पूरा करवा देना। तो यार दोस्तों मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।